हेलो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ बदल जाती है या हमारे या किसी के द्वारा बदली जा सकती है, जैसे हमारी पर्सनैलिटी, हमारे इमोशंस और हमारा नज़रिया। जब हम अपने आप को बदलने जाते हैं बिना हमारे शरीर को पता चले कि हम बदल रहे हैं, तो जो परेशानियां आती हैं उस पर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं बिना इस पर गौर किए कि क्या हम अंदर से भी बदल रहे हैं। लोग हमेशा सोचते हैं कि अगर उनके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर होगा तो वे ठीक रहेंगे, बजाय अपने आप को बदलने के, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि अच्छी जैसी कोई चीज़ सीमित ही नहीं है। वे एक अच्छी गाड़ी खरीदने के बाद उससे भी अच्छी गाड़ी खरीदने की आशा करेंगे। अगर मैं अपने तरफ से बोलूँ कि आदमी जब बदलता है तो सिर्फ उसका नज़रिया बदल जाता है कि वह किसी चीज़ को पॉजिटिव में देखता है या निगेटिव में, क्योंकि ऐसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जैसे कोई विद्यार्थी अपने सॉल्यूशन को बार बार गलत कर रहा है तो वह अपने सॉल्व करने का तरीका बदल देता है थोड़ा सा दिमाग लगाकर, जिससे उसके सॉल्यूशन का सही होने का चांस बढ़ जाएगा। हमें बदलाव लाने के लिए इन चार स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट टू एक्शन अपॉन ए डिसीजन इवन इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि किसी भी डिसीजन को पूरा करने के लिए शुरुआत तो ज़रूरी है। किसी गलत या सही डिसीजन को पूरा करने के लिए खाली बैठकर डिसीजन ही करते रहने से अच्छा है। अगर हम कभी नाकामयाब नहीं हुए हैं तो इसका साफ मतलब यह है कि हमने कभी कोशिश ही नहीं की है। अगर हम नाकामयाब होते हैं तो हमें किसी चीज़ को परखने का तजुर्बा भी मिल जाता है। सेकेंड स्टेप, बी अ कार विद मोशन। याद रखें कि जब एक बार आप अपने डिसीजन को पूरा करना शुरू करते हैं तो उस समय आपके अंदर एक ताकत आती है जो आपको चीख चीख कर कहती है कि बस अब काम करके ही रहना है। थर्ड स्टेप, प्लान योर डिसीजन। आप जब भी डिसीजन पर काम करना शुरू कर दें तो आप पहले ही उस डिसीजन को प्लान कर लें कि अगर आप फेल हुए तो कुछ ज़्यादा हानि तो नहीं होगी। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप रिस्क ही मत लें, रिस्क लें लेकिन उतना ही लें जितना आपकी सीमा में हो। एंड फोर्थ स्टेप, मेक श्योर दैट यू आर विलिंग टू चेंज। यह तभी होगा जब आप अपने पहले ज़िंदगी से परेशान हो जाएं, तभी आपको पता चलेगा कि नज़रिया बदलने के बाद कितनी खुशी होती है। बदलाव हमेशा बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतों को एक्सेप्ट करना ही फायदेमंद होता है। आप कोशिश करिए कि बैड हैबिट्स को ख़त्म करते करते आपके वह हैबिट्स ख़त्म न हो जाएं जो कि आज के जीवन में सफल होने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे थोड़ा टेढ़ा होना, क्योंकि इसके बिना हम एक रोबोट की तरह हो जाएंगे जो सिर्फ डेवलपर की फीडिंग ऑप्शन के हिसाब से ही चले। मैं जब भी अपनी किसी बुरी आदत को हटाने की कोशिश करता था तो वह आदत और भी बढ़ जाती थी, लेकिन जब मैं अपनी बुरी आदत को हटाने के अलावा अच्छी आदत बनाना शुरू कर दूँ तब मुझे बुरी आदतों को करने के लिए समय नहीं बचता था। और इसके बाद एक छोटी सी सोच मैंने मन में बना ली कि वह बेकार आदतें सचमुच मेरे भविष्य के लिए ठीक नहीं थी, और अच्छा हुआ कि मैंने उसे छोड़ दिया। मैं आपको भी ऐसा करने की सलाह देता हूँ। प्रोवर्ब, सक्सेसफुल पीपल आर चेंजिंग पीपल। टैक्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर पर्सनैलिटी फॉर सम टाइम, बट वंस यू चेंज इट मेक्स अ डिफरेंस इन योर लाइफ। अब वीडियो से हटकर कुछ अलग बात, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, इससे हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।